हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण की, जो आपकी हिंदी मासिक बुक आती है नवंबर 2019 की सार संग्रह की, उसमें से हम बात कर रहे हैं। जो भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे से बनेंगे, हम उन सारे क्वेश्चंस को यहां पे देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके पॉलिटी राजनीति शास्त्र से रिलेटेड, जो आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे आपके इस बार के सार संग्रह में। केंद्र राज्य संबंध किस चीज़ से वर्णित है? कह रहा है केंद्र राज्य का जो संबंध है वो कौन से अनुसूची से वर्णित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो केंद्र राज्य संबंध जो है आपका सातवीं अनुसूची में है। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है संसद के जो दो सत्र होते हैं उनके बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए। कह रहा है संसद के दो सत्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा कितने देरी का अंतराल होना चाहिए, तो ये आपका 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसी तरीके से कुछ इतिहास के बारे में अगर बात करें तो अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कह रहा है अशोक के कौन से अभिलेख में यह चीज़ लिखा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वो कहाँ से हम जाने, अशोक के कौन से अभिलेख से जाने, तो ये आपका था रुम्बिन देई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट, इसी तरीके से हिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहे कि साम वेद के पद गेय रूप में गाने वाला पुरोहित क्या कहलाता था। कह रहे साम वेद के जो पद गेय के रूप में जो पुरोहित गाते थे पद गेय, उसे क्या कहते थे, वो उस पुरोहित को क्या कहते थे जो ये चीज़ गाते थे, तो उसे हम कहते थे उद्गाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। कह रहा है कि किसने इस बात को कहा कि ब्रिटिश शासन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह थी भारत का एकीकरण, तो वो कहा था के एम पन्नीकरण ने। नेक्स्ट है आपका कुछ बायो ज्योग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। किस प्रकार की जो मृदा होती है उसकी जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है, तो वो होती है आपकी बलुई दोमट, इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण नीति अधिनियम 1969 में संशोधन कब हुआ। कह रहे पर्यावरण नीति अधिनियम जो 1969 था उसमें संशोधन किया गया था, तो वो संशोधन कब किया गया था, तो 1979 में। नेक्स्ट है आपका, जैव विविधता समुदाय के विश्व स्तर पर सदस्य कौन है। तो जैव विविधता समुदाय के विश्व स्तर पर कुल 192 देश हैं। आपको ये नंबर याद रख लेनी है कि 192 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। कह रहा है कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो वो है आपका ओजस डेल सलाडो। कितने मीटर की ऊंचाई पर है, तो 6885 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश कौन सा है। कह रहा है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, उसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली देश किसे माना गया है, तो वह है आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है भौतिकी की कौन सी शाखा है, फिजिक्स की कौन सी शाखा है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है, तो वह है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। जो आपका एक डिजिटल घड़ी होता है उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कह रहा है ओरेकल क्या है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ओरेकल क्या है, तो ओरेकल एक डाटा सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, संचार के निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। कह रहे जो आपका संचार है, कम्युनिकेशन है, उसके निष्पंदन का जो बुरा प्रभाव हो रहा है उसको कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है, तो लघु परिधिकरण का। नेक्स्ट है आपका, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। कह रहे हैं मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा जो है उस सिद्धांत के अप्रवर्तक कौन है, तो मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किसने स्मृति यानी मेमोरी पर सबसे पहले प्रयोग किया था, तो एबिंगहॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। कह रहे जब भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी उस समय भारत के प्रधान सेनापति कौन थे, तो लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 से अधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन है। कह रहा विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जो कि 200 से अधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेला है, तो ये है आपकी मिताली राज। नेक्स्ट है आपका, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, तो जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर घास पार्थेनियम का परभक्षी कीट क्या है। गाजर घास जिसे आप पार्थेनियम भी बोलते हैं उसका परभक्षी कीट कौन सा होता है, तो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती के संस्थापक कौन थे। कह रहे दक्षिण अफ्रीका में एक बस्ती थी जिसका नाम था फिनिक्स बस्ती, उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। कह रहे जो आपके साउथ इंडिया है उसकी जो नदियां हैं वो कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो वृक्षनुमा रखती हैं। नेक्स्ट है, किस नदी से गेरसोप्पा जलप्रपात बनता है। कह रहे कौन सा नदी है जिससे गेरसोप्पा जलप्रपात बनता है, तो शरावती नदी से। नेक्स्ट है, विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है। कह रहे भारत के जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसने एक निर्णय दिया है विशाखा मामले में, तो यह किस चीज से संबंधित है, तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। नेक्स्ट है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, एक देश दो व्यवस्थाएं के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए 1997 में चीन का एक हिस्सा कौन बना। कह रहा है एक सिद्धांत है एक देश दो व्यवस्थाएं, उस सिद्धांत का अनुकरण करते हुए 1997 में चीन का हिस्सा कौन बना, तो वो आपका बना हांगकांग। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोज़ हमेशा मिलती रहे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।